तो वापस आ गए हम लोग अपने गेटअप में। गुड मॉर्निंग कश्यप, मजेदार। आज वापस रिटर्न चल रहा है पुणे की तरफ। तो अभी जाते वक्त मैं जा रहा हूँ कोंकण से उधर हम लोग आगे जाएंगे, तो रास्ता आपको दिखाई देगा। तो अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो चलो अभी डायरेक्टली मिलता हूँ गोप्रो में। चलो बाय बाय। तो हम लोग निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, घर की तरफ। और अभी बजे है 9:18 और विनेलियम को अलविदा करने का टाइम, गोवा अलविदा। आगे जाके जब भी गोवा का बॉर्डर रहेगा ना, उधर से जाके रिफ्यूल करूँगा, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा, रिफ्यूलिंग के लिए रुक जाएंगे। नहीं, अभी हम लोग रुकने वाले हैं पणजी में, थोड़ा सा शॉपिंग करना है, काजू बिजू लेना है, तो एक बार लेंगे फिर हम लोग निकल पड़ेंगे। जो रोड से हम लोग जा रहे हैं वो मेन रोड छोड़ के, यानी कि जो हाईवे है वो छोड़ के हम लोग इंटीरियर से जा रहे हैं। रीज़न ये है कि यार वही रोड से जाना तो क्या मज़ा है, जो कि इंटीरियर रोड से, जो कि किसने देखा नहीं रहेगा, किसको मालूम नहीं रहेगा, वो रोड से जाने में अलग ही मज़ा आता है। तो इसके लिए ये रोड से हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा सा डी टूर करके हम लोग वापस आ गए मेन हाईवे पे। तो डी टूरिंग हो गया है और अपना जो पणजी वाला जो हाईवे, यानी कि मुंबई हाईवे, ये है इधर से डायरेक्टली ये केरला जाता है। अगर हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो और सीधा जाता है मुंबई। चलो तो फिर हम लोग को तो पणजी में रुकने का है, फिर बाद में कोंकण में जाना है और फिर कोंकण से आगे पुणे की तरफ गगन बावड़ा मार्ग, गगन बावड़ा घाट। ये टाइम पे मैं अपने चैनल पे मैं दिखाऊंगा गगन बावड़ा घाट। तो अभी हम लोग पहुंच गए ब्रिज पे, जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ और साउथ गोवा को, वो ब्रिज है ये, और इसका कंस्ट्रक्शन भी चालू है बाजू के साइड में। तो हम लोग ने एंट्री किया है पणजी में, तो इधर सब कैसीनो प्राइड वगैरह जो कैसीनोज है वो है इधर बाजू में। और हम लोग हैं मीरामार रोड के ऊपर, मीरामार और डोना पाला। तो अभी इधर से मैं हम लोग जो मार्केट में जाने वाले हैं वो मार्केट इधर से यही रोड पे। अच्छा चलो पहला मार्केट में जाके आते हैं, तो बाकी कुछ चीज़ बाद में करेंगे। तो फाइनली शॉपिंग हो गया है और हम लोग निकले हैं वापस घर की तरफ। कब से सुबह से निकले हुए हैं घर की तरफ, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं है, अभी तक बीच में ही पहुँचे। तो जो सामने दिखाई दे रहा है ना वो मेन ब्रिज है, ऊपर वाला जो है ना वो नया बनाया हुआ है, और वो डायरेक्टली आगे मड़गांव जाने के लिए जो रास्ता लगता है ना उसके लिए निकलता है, और नीचे वाला ये पुराना वाला है। अभी हम लोग तो पणजी से जा रहे थे, हम लोग को वो पुराना वाला ब्रिज से क्रॉस करना पड़ेगा। ऊपर का ब्रिज बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है सीलिंग के ऊपर ही बनाया हुआ है, सीलिंग वाला फीलिंग है, सीलिंग वाला। क्या ब्यूटीफुल दिखाई देता है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से जो स्ट्रेट रोड जाता था ना वो जाता था डायरेक्टली पुणे की तरफ, जो मुंबई गोवा है वह वो। तो हम लोग ने लेफ़्ट लेके हम लोग जा रहे मापसा, फिर ऐसा बीच साइड से हम लोग ट्रैवल करेंगे कोंकण में, ऐसा जाएंगे अंदर। लास्ट टाइम जब भी मैं आया था तभी हम लोग ने ऐसे ही पीछे की तरफ से आए थे, और हम लोग ने गाड़ी एक फेरी में डाल के फिर हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके आए थे, लेकिन अभी उधर ब्रिज हुआ है, अभी है नहीं वो फैसिलिटीज़, तो गाड़ी तो नहीं डालेंगे, लेकिन हम लोग कोंकण के साइड, यानी कि कोंकण साइड जाएंगे, लेकिन बीच होते हुए। ये जो गोवा के रोडों की वाइब्स है ना वो अलग ही रहती है यार, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल है ये।
तो इंटरनल रोड है ना वो थोड़ा सा छोटा है, और दूसरा चीज़ इधर दुनिया भर के स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, जो कि अगर आप बाहर से ट्रैवल करेंगे तो ये सब चीज़ नहीं रहेगा। रोड भी अच्छा खासा बड़ा है और दूसरा स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, लेकिन इधर ये प्रॉब्लम है इंटरनल रोड पे। और अभी कैसा है गोवा में ना, शायद से इलेक्शंस है इसके लिए ना थोड़ा सा भीड़ कम है, और सब जन वही इलेक्शन के पीछे भाग रहे सब। और दूसरा एक चीज़ अपना मेन यानी कि कोरोना के वजह से भी बहुत सारे जन गोवा में नहीं आए। वही अपडेट करना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते, RT-PCR की वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है गोवा में एंट्री करने के लिए। यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो बागा बीच की तरफ जाएंगे, और इधर से कलंगुट और कैंडोलिम बीच की तरफ जाएंगे, तो ये दो रास्ते हैं। हाँ, अभी हम लोग ने इधर टैंक में पेट्रोल डाल दिया है और टैंक फुल कर दिया है। फुल यानी कि 500 रुपये का ही पेट्रोल आया है, तो उतना डाला है और अभी आगे निकल गए। लगता है और एक बार इसमें रिफिलिंग करना पड़ेगा, तो अभी तक मैंने इसमें 2000 रुपीज़ का पेट्रोल फिल किया है। गोवा में ना हर चप्पे चप्पे पे है ना पुलिस वाले, और एक चप्पे चप्पे पे। पहले ना इधर फेरी चलता था, अभी ये ब्रिज बन गया है। क्या ब्यूटीफुल है यार, सोचो फेरी के टाइम पे कैसा मज़ा आता रहेगा। और जो फेरी का कॉस्ट था ना वो भी ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था। जो बीच है ना दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल है, मोस्टली इधर फॉरेनर्स ही आते हैं, दूसरा कोई भी नहीं आता है। इंडियंस बहुत कम दिखाई देंगे लेकिन फॉरेनर ज़्यादा है। ये एक्चुअली हरमाल के इधर आता है, हरमाल बीच के इधर। ये गांव में सिर्फ आपको फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स दिखाई देंगे, दूसरा कोई भी नहीं दिखाई देगा। गोवा में सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स इधर दिखाई देंगे, और ये हरमल है, हरमल में। लोग ने एंट्री कर ली है महाराष्ट्र के अंदर, तो पीछे गोवा एक्साइज वाले रहते हैं, और इधर अंदर महाराष्ट्र का। ये जो ब्रिज क्रॉस करेंगे तो फिर आगे जाके महाराष्ट्र वाला रहेंगे पुलिस, दोनों भी जगह से है अभी। तो फिलहाल अभी हम लोग गोवा जस्ट क्रॉस किया है और ये ब्रिज क्रॉस किया, अभी महाराष्ट्र पकेगा, देखते हैं आगे जाके। तो हम लोग अभी महाराष्ट्र में आ गए, और रोड देखो कैसा हो गया। देखो महाराष्ट्र की ज़मीन पर कैसा दृश्य है, कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है यार। जब ये ऊपर से था ना, ऊपर से टॉप से ऐसा दिखाई दे रहा था ना, तो ऐसा नारियल के झाड़ वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहे थे। ये कोंकण, एक्चुअली इसको बोलते हैं मालवन, ये एक्चुअली मालवन में आता है, सिंधुदुर्ग जिला है ये, और वेंगुर्ला के अंदर ये तालुका वेंगुर्ला है। तो हम लोग का लंच होने के बाद एक प्लान में चेंजेस हो गया है, तो प्लान में चेंजेस ये हुआ है कि अभी हम लोग जो जाने वाले थे कुडाल से हम लोग जाने वाले थे गगन बावड़ा, फिर वो कोल्हापुर निकल कैसे जाने वाले थे। तो हम लोग कल भूख लगी थी तो हम लोग ने इधर ही शिरोड़े गाँव में ही लंच कर लिया, और इधर से हम लोग निकल रहे हैं सावंतवाड़ी की तरफ, और सावंतवाड़ी से हम लोग डायरेक्टली जाएंगे अम्बोली घाट। तो अम्बोली घाट से निपानी से फिर पुणे। तो ये अभी का प्लान है। छः
चलो तो फिर आगे मिलते हैं। ये पूरा राइट साइड में पूरा ना आम के झाड़ है, देखो हापुस आम के झाड़, अल्फांसो मैंगोस, ये कोंकण की खासियत है। जैसा शिमला में आप जाएंगे, मनाली में जाएंगे तो आपको एप्पल्स दिखाई देता है, वैसे यहाँ पे अल्फांसो मैंगोस आम। और जो फील गोवा में था ना, जो घर वगैरह बनाए हुए सेम कोंकण में सेम घर है, जैसा मैंने पहला भी बोला था आपको कि कोंकण में भी सेम घर है जैसे गोवा में, सेम पैटर्न है। गोप्रो की दोनों भी बैटरी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मुझे आखिर में मोबाइल में शूट करना पड़ा। तो ये अभी हम लोग पहुँच गए अम्बोली घाट, अम्बोली घाट स्टार्ट हो गया है, तो अम्बोली घाट अभी हम लोग क्रॉस करके सीधा जाएंगे निपानी, निपानी से फिर आगे चले जाएंगे। ये अम्बोली घाट का नज़ारा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और बारिश के टाइम पे आएंगे ना तो अलग ही नज़ारे रहते यार, टोटली अलग, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देखो कितना मस्त दिखाई दे रहा है। हम लोग पहुँचे हैं मेन पॉइंट जहाँ पे अम्बोली घाट का धबधबा है ना, यानी कि वाटरफॉल है, वो जगह पे आ गए। देखो इधर चल के जाने के लिए ऊपर रास्ता बनाया हुआ है, अभी फिलहाल बंद है, लेकिन बारिश के टाइम पे ना इसके नज़ारे अलग रहते। इधर अभी हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए, और मैं आ गया हूँ देखो शॉर्ट्स पे, और मैं आ गया हूँ कार में, अभी मैं कार चलाऊँगा, वो दो जन बाइक चलाएंगे तो मैं बैठूँगा इधर। चल हम लोग पहुँच गए घर पे रात के 12 बजे, सुबह के 9:30 बजे निकले थे गोवा से, घर पे पहुँच गए पुणे में रात के 12 बजे। बहुत सारा हॉल्ट लिया, जैसा आपको बताया कि मैं घूम घूम के आया था इंटरव्यू रोड से वगैरह आ गया था। तो आते वक्त निपानी के आगे यानी कि अम्बोली घाट में भी आपको कुछ दिखाने, क्योंकि मैं ऑलरेडी उधर से आ चुका हूँ, आपको दिखाया दिया है पहले के वीडियोज़ में, अगर आपने देखा नहीं रहेगा तो पहले जाके वो वीडियोज़ देख लो, जब मैं गोवा से वापस पुणे आया था तभी। ये टाइम पे मैं कार में नहीं आया, मैं बाइक पे आया हूँ, लास्ट टाइम पे आया था मैं कार में आया था। और फिर जैसा निपानी से मैं आगे बढ़ा, तो फिर निपानी के आगे तो स्ट्रेट हाईवे, और बहुत अंधेरा भी हो गया था, तो फिर बहुत ही ज़्यादा थक गया, और रात को आते वक्त खाना खाया, खाना खा के आके सो गए। तो टोटल किलोमीटर मैंने कवर किया था 1200 टोटल, जाके वापस आने में 1200 किलोमीटर टोटल हुआ था, जो कि मैं घुमा वगैरह सब कुछ मिला के बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है यार, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। चलो तो टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, आगे के वीडियो, आगे के कुछ ना कुछ तो राइड प्लान करेंगे, आपको मालूम ही गिर गया। चलो बाय बाय।